उक्राइन इंसान और एलविश यादव के बीच में एक और कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है। जी हाँ दोस्तों, बात करें तो एलविश यादव ने बिग बॉस OTT3 का प्रमोशन वीडियो बनाया था, जहां पर दोस्तों अनडायरेक्टली ट्रिगर इंसान को बात करें तो ट्रोल किया था, जहां पर ट्रिगर इंसान को बोला था कि यदि कोई आएगा तो इस बार ट्रिगर इंसान और कैरी मिनाटी आ सकते हैं और ट्रिगर इंसान का होना तो ज़रूर है, क्योंकि दोस्तों कोई तो होना सही है रनर अप के लिए। उसके बाद दोस्तों फुकरा इंसान उस पोस्ट पर आज कमेंट करते हैं और लिखते हैं, अरे एलविश भाई निश्चय गवर्नमेंट से अवार्ड जीता था, आपको गवर्नमेंट से क्या मिला था। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से फुकरा इंसान ने वापस रिप्लाई किया अपने भाई के सपोर्ट में एलविश को। जी हाँ, बाकी दोस्तों इस पर आपका क्या कहना है उसके बाद दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। सबको पता है अवार्ड कैसे जीता, बीजेपी IT सेल ने भी बोला कि बियर बाइसेप की मैनेजमेंट का बजट देखे अवार्ड लिया है इसका नानू ने। जी हाँ, इस तरीके का बोला है एल। जी हाँ, जिस तरीके से कमेंट भी आ रहे हैं। जी हाँ, एक रोस्ट देख लीजिए किस तरीके से अभिषेक मलान ने ऑलरेडी बोल कर रखा है कि निश्चय और फैमिली के लिए कोई कुछ बोलेगा तो सामने वाले की बजा देगा और करो पोक। जी हाँ भाई, पहली बार फुकरा रिप्लाई कर दिया भाई, वो भाई 3 दिन बाद में। जी हाँ, दोगला इंसान अपनी औकात में रहे। जी हाँ, इस तरीके के कमेंट कई सारे आ रहे हैं, जहाँ पर अभिषेक मलान के फैन भी आ रहे हैं, एलविश यादव के फैन भी आ रहे हैं और काफ़ी टकरार भी हो रही है। जहाँ पर एक आ रहा है, तेरे पापा को गवर्नमेंट महाराष्ट्र से मिला है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि एलविश यादव को भूटानी क्रिएटर यूनाइटेड अवार्ड मिला था। जी हाँ दोस्तों, जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र द्वारा मिला था। जी हाँ, बाकी इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं।